हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, ये है मेरे ट्रैवल व्लॉग का पार्ट 14 और अब हम जा रहे हैं जिम कार्बेट सफारी की कैंटीन में कुछ खाने के लिए। दोस्तों, जमीन में ना नीचे बेबलर है, बेबलर जंगल, बेबलर पत्ते हटा रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज चल कर रही है। इधर बोल रहे हैं पत्ते, राइट लेफ्ट देखो, लेफ्ट राइट में जाना, राइट देखो। अरे मैं गया, मैगी देखो क्या हो ठीक है। तो हम पहुंचे कैंटीन, यहाँ पर हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी एंड मैगी ऑर्डर की थी और मैंने, धनश्री ने मैगी खाई और यहाँ पर आप बाबू को देख सकते हो, पीछे जस्ट आप कैंटीन देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह थी जहाँ पर काफ़ी खुला खुला मैदान था, जहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी, वेट कर रही थी और अनंत मणि का डायपर चेंज करना था मुझे, और इनको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और क्योंकि उस समय ये फार्मूला मिल्क भी पी रहे थे तो इनके लिए इनके पापा जो है मिल्क बना रहे थे और मैं इन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही थी। और बहुत ही क्यूट लगते हैं ये जब रोने लगते हैं तो, और इनको हर समय सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा चाहिए होती है और छोटे बच्चों को और क्या चाहिए होता है ना। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे मेरे बेटे के साथ एक रिफ़्रेशिंग ट्रिप पे आकर के, सो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप हिम्मत करते हो तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं बिना डरे। और कैंटीन से निकले हम और फिर वापस लौट रहे हैं, सफारी का जो एंड था वो यहाँ पर था और उसके बाद वापस हमें वहीं लौटना था, तो ये गाड़ी हमें वहीं छोड़ेगी जंगल में जहाँ से लेकर के आई है। तो अभी कम से कम जो है जितना टाइम आने में लगा है उतना ही टाइम हमें जाने में भी लगेगा वहाँ पर। और बहुत ही औसम सफारी थी यहाँ कैंटीन में, प्राइसिंग भी सही थी खाने पीने की और टेस्ट भी अच्छा था। और चाहिए उसे चॉकलेट, आपको साथ रही कितना बड़ा है क्या इनमें कस्तूरी होती है भैया? फिर किसमें होती है? बारह सिंगा में पहाड़ों में होता है वो। अच्छा, कस्तूरी मृग।